Welcome to your own channel, My Passion Teaching. As you know, we have studied about arithmetic progression. We have completed two exercises, also three questions of exercise number 5.3. So today's we will start with question number 4, that is, how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? अब देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, मेनली आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है करने से पहले, ठीक है। यहाँ को आपको बस एपी दी हुई है, तो एपी से हम ए और डी तो फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर है। और आपको दियो है सम, यानी कि आपके पास दियो एस एन, आपको निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपको निकालनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या कितनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, आप बुक में से कर लीजिए, 17, 25 एंड सो ऑन, आपको बस ये एपी दी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपको फर्स्ट ऑफ आपका क्या काम होता है, मैंने जैसे आपको बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं गिवन एपी इज 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। ए वन यहाँ पे दिया हुआ है 9, डी यहाँ पे होगा 17 - 9 विच इज इक्वल टू 8, और साथ में हमारे पास दिया हुआ एस एन दैट इज 636। अब मेन फॉर्मूला हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, दिस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सो एस एन का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया भी हुआ है 636 सिंस, बट एस एन की फॉर्मूला ऐसे क्या होता है, एन बाई टू, टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है, हमने सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा। जो इस वीडियो में शुरू से बने हुए उनको पता है कि क्या हम कर रहे हैं, कैसे सम फाइंड आउट होता है, कैसे उसके एनएस टर्म हम फाइंड आउट करते हैं, एवरीथिंग। सो जिन्होंने जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जो प्लेलिस्ट हैं इस चैप्टर की वो आप चेक कर सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगी चैनल पे, ओके। सो एन बाई टू, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आपके पास 9 है प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू आपके पास 8 है इज इक्वल टू 636, क्लियर। एन बाई टू दिस इज 18 प्लस, अब ये सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, 8n - 8 इज इक्वल टू 636, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। एन बाई टू 18 - 8 इज 10 - 8 9 इज इक्वल टू 636। एन बाई टू, अब देखो एन बाई टू को हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो ना आप, तो अंदर कितना बच जाएगा 5 - 4n, आप इनसे मल्टीप्लाई करो 2 + 5 × 5 = 10, इससे करो तो -8 आ जाएगा, तो हमने सिर्फ ये लिया, सॉरी यहाँ प्लस है, सो 636, 2 से 2 कट हो गया, आपके पास सोचा n इंटू 4n + 5 636, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4n² + 5n इज इक्वल टू 636, n यहाँ से कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन नहीं, अब आपको देखो 4n + 5n - 636, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी, यू नो अबाउट दिस इक्वेशन वेरी वेल, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यू नो वेयर द पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 2, देन दिस इक्वेशन बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और सिंपली बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम यहाँ यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज हम कंपेयर कर लेते हैं, पहले यहाँ होता है ए बी सी, आपके पास होता है ना, आपको डी फाइंड आउट करना होता है, तो होता है आपके पास b² - 4ac, तो हम पहले लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4, v आपके पास है 5, c आपके पास है -636, तो v² कितना आएगा 5² - 4 × 4 × -636, कुछ ऐसे आपके पास टर्म आएंगी, सो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 25 + 10176, ये आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे हमें n, वहां पे हमारा होता है x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे हमारा वेरिएबल है n, तो n इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो आप प्लेलिस्ट में 4th चैप्टर की चेक कर सकते हो क्लास 10th के लिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको यूज, नथिंग एल्स, और ये जो है डी के बराबर होता है, सो हमने पहले निकाल चुके हैं हम, ये आपके पास वैल्यू है 10201, ओके। सो दिस इज -5 + -b² हमने निकाला 10201 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 × 4 दैट इज 8, ठीक है। तो इसके आंसर आएंगे क्या मल्टीप्लाई करके,
वो आएगा 106 डिवाइडेड बाय 8 और 96 डिवाइडेड बाय 8। इसको आप डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा -53 डिवाइडेड बाय 4 और 12। अब आपके पास है एपी, तो यहाँ पे आपको दी हुई है, यहाँ पे देखो अब सम दिया हुआ, आपको जितने भी टर्म है यहाँ पे हमें एन फाइंड आउट करना था। तो एन जो है वो कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, कोई ना कोई टर्म होगी, 1 2 3 4 एनीथिंग, एन कैन, एन इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म, बिकॉज किसी को हम काउंट कर रहे हैं, कि नंबर को हम काउंट कर रहे हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में तो हम किसी चीज को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? सो देयर फॉर सॉरी बिकॉज एन कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी क्या करेंगे हम, सो वी नेग्लेक्ट एन इज इक्वल टू -53/4, तो हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू आ गई आपके पास 12। सो एंड में हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन एपी हैज 12 टर्म्स, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, सर सिर्फ एन ही फाइंड आउट करना था, बट आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको देखना मेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बुक का, क्वेश्चंस का, वो आपको फिर क्लियर हो जाएगा बाद में आपको ये कौन सा क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो 5 है, यानी कि ए आपके पास दिया हुआ है। लास्ट टर्म जो है 45 है, यानी कि एस एन जो है, सॉरी ए एन जो है वो एनएच टर्म जो आएगी आपकी, यानी कि 45 है एन यहाँ पे, तो वो आपके पास दी हुई है 400 सॉरी 545। और जो आपको सम दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, वो 400 दिया। आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम पहले से ही निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो फर्स्ट केस में देखो आपके पास ए दिया हुआ है, आपका फॉर्मूला होता है ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन एच टर्म फाइंड आउट करने का। ठीक है, ए एन आपके पास दिया हुआ, ए आपके पास दिया हुआ, एन आपके पास दिया हुआ, डी आप निकाल लो। अगर डी यहां से निकल गया तो सीधा हम एस एन निकालेंगे, और एस एन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास है, लास्ट टर्म भी आपके पास है। ठीक है, तो वहां से आप निकाल लीजिए, वहां पे एन आ जाएगा आपका उस चीज से। जब आपके पास एन भी आ जाएगा और डी भी देखो जब आप फर्स्ट टर्म निकालोगे वहां से आपके पास सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू आएगी नहीं डी की। फिर आप दूसरी वाली इक्वेशन को देखो, वहां से आपके पास जो आपका एन है वो वहां से आ जाएगा, और फिर हम एन यहाँ जो आएगा एन माइनस वन इंटू डी आएगा, उसमें एन पुट कर दो, 15 डी आ जाएगा, 15 डी इज इक्वल टू 40 एंड डी इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन आसान है, तो आप खुद ट्राई करेंगे इसको, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं करवा दूंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ जो आपकी एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म दी हुई है, यानी कि ए आपके पास 17 दिया हुआ है, और जो लास्ट टर्म है वो आपको 350 दी हुई है। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज नाउ 9, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी आपको क्लियर दिया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो दो फॉर्मूले हैं, उनको ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं हमें आपसे पूछ जाएगा कि एन क्या है, एन फाइंड आउट कीजिए, कहीं हमें पूछा जाएगा कि डी फाइंड आउट कीजिए, कुछ में पूछा जाएगा ए एन फाइंड आउट कीजिए, एस एन फाइंड आउट कीजिए। बस आपको फॉर्मूले अगर माइंड में है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यहाँ पे मैं कन्वीनियंस के लिए बुक भी साथ में रख रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी आपको कौन सी टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है वो है 17 और जो लास्ट टर्म है वो दी हुई है 350। क्लियर है? इसको हम लास्ट टर्म को और एल से भी डिनोट करते हैं, ये भी आपने याद रखना कि ये जगह एल भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। क्लियर है? डी जो है वो 9 है। अब आपको ये पूछा है एन फाइंड आउट करो और एस एन फाइंड, एन कहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ए एन एथ टर्म से फाइंड आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ए एन आपके पास 350 दे रखा हुआ है, और ए एन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है 350। ए आपके पास है 17 प्लस एन आपने निकालना है, और डी आपके पास दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू 350। देखो सॉल्व करना तो आपको ये आना भी चाहिए और इजी भी होता है, 9 से इनको मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 350 विच इज इक्वल टू 17 माइनस 9, ये आपने मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो अब आपके पास आएगा 350 माइनस 17 प्लस 9, 9 इस साइड रहने दो, 9n इज इक्वल टू दिस इज 342, n यहाँ पे आ जाएगा 342 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू
एंड 8, ठीक है। सो n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 38। अब मेनली आपने n फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी थी Sn। Sn फाइंड आउट करने के लिए तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आपके पास दो फॉर्मूले हैं इसके, या तो फर्स्ट टर्म प्लस लाइट, अगर आपके लास्ट टर्म दी हुई तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करो, या फिर दूसरा फॉर्मूला यूज कर जो आपको क्लियरली पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो एन आपके पास आ गया 38/2, ए की वैल्यू 17 और लास्ट टर्म है 315, ओके। सो ये इसको आप डिवाइड कर तो 19 आ जाएगा, 19 प्लस 17 प्लस 350 आपके पास आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 367, विच इज इक्वल टू 6973। सो दिस इज योर आंसर। एंड में आपने जो लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया पूछा जाता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो एंड में आपने ये लिखना भी है, देयर फोर द गिवन टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 38 एंड द सम इज 6973, क्लियर आंसर। तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा, आपको फिर अच्छा भी लगेगा देखने में, जब आप एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ बच्चे ने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो आपके पास जो है फर्स्ट 22 टर्म्स दी हुई हैं, उनका सम दिया हुआ है, नहीं सॉरी आपने फाइंड आउट करना है उनका सम। आपको फर्स्ट 22 टर्म्स दी हुई है एपी की, उसके अंदर आपको दिया हुआ डी और 22nd टर्म दी हुई है आपके पास 149। तो 22nd टर्म, अब देखो टोटल ही 22 ही टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है दिस इज ए एन, समझ आ रहा है कि ए एन कैसे हुआ, यानी कि ए एन इज इक्वल टू 149, मतलब ए 22 है, 149 टोटल नंबर भी 22 है, यानी कि एन भी, एन की वैल्यू आपके पास है 22, ए एन आपके पास है 149 एंड और क्या है, ए ए आपको फाइंड आउट करना है अभी, डी आपके पास 7 है। तो आप फर्स्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, जब हम ए 9 निकालते हैं, ए एन सॉरी ए एन जब आप निकालते हो तो वहां पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए आपको फाइंड आउट करना है, एन आपके पास 22 है, ए एन आपके पास 149 है और डी आपके पास 7 है, वहां से ए इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। अब वो चीज फाइंड आउट होगी तो सम निकालना तो बड़ी बात है ही नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए वैसे ही है इसमें, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब देखने में देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है लेकिन होता नहीं है वो, आपको बस सिर्फ ये दिया हुआ है जो आपको सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 51 टर्म्स का, यानी कि एन आपके पास क्लियरली आपको पता लग रहा है कि एन जो है वो 51 है, ठीक है। और एपी की आपके पास सेकेंड टर्म दी हुई है और थर्ड टर्म दी हुई है 14 और 18, तो आपको बस फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट टर्म में हम कैसे लिखते हैं और सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं और थर्ड टर्म, सो जितने भी आप जो भी टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि ए और डी जो है आपके कॉमन डिफरेंस है और ये जो है आपका वो फर्स्ट टर्म है, क्लियर। और फिर आपके पास दी हुई है सेकेंड टर्म दी हुई है ए टू, इसको ए वन मान लीजिए, ए टू आपके पास दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे 14, तो ए टू को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं ना हम इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात। जब आप देखो जब आप नहीं समझ आया तो आप पिछले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको क्लियर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जो नए हैं उनको लिए। बाकी ए प्लस, अब यहाँ पे ये हो गया ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 14। अब आपके पास है ए थ्री जो है वो आपके पास दिया हुआ है 18, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस टू डी फॉर्मूला देखो, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन जब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ए टू निकालना है हमें, तो हम यहाँ ए प्लस 2 माइनस 1 पुट करेंगे तो ए टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस डी। अगर ए थ्री के लिए आपके पास ए प्लस 2 डी आ जाएगा, बस ऐसे ही आते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, पीछे देख सकते हो आप। ए टू डी वो कितना आया आपके पास 18, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अगर मैं यहाँ पे आप देखो, आपने थर्ड थर्ड चैप्टर में आपने पढ़े थे मेथड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, हियर आई विल यूज एलिमिनेशन मेथड, यू यूज वट एवर यू वॉन्ट या वट एवर यूर कन्वीनियंट अबाउट। सो क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड किया तो मैं 2 में से 1 को माइनस कर रही हूँ, ठीक है 2 माइनस 1। आप देखो पूरे सिस्टमेटिक वे में लिखिए, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 18, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, ए से ए कट हो गया, आप बस ये माइनस कर रहे हैं हम इनको, तो 2 डी माइनस डी डी 14, 18 माइनस 4 इज 4, तो डी आपके पास क्लियर आ गया 4। समझ आई आपको, यहां तक आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना था, सम ऑफ एन टर्म्स,
डी आ गया है। अब हमारा काम क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, एक वेरिएबल आ जाता है तो हम दूसरे को फाइंड आउट करते हैं उसमें पुट करके। नाउ पुट डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करोगे तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू आ गई 10। अब एसएन निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब देखो इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, सो एन बाई एन कितना है आपके पास, एन 51 है आपके पास, 51 ओवर 2, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज डी की आपके पास है, 4 आपके पास है। ठीक है, सो 51 बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 200, 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 20, इससे आप इसको कर दो मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड, सो आ जाएगा आपके पास 5610। एनी प्रॉब्लम, एसएन निकाल लिया। मेन आपके पास अगर सभी वैल्यूज हैं तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। आपके फर्स्ट 7 टर्म्स दिए हुए, इनका सम दिया हुआ है अब आपके पास 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 29। यानी कि आपके पास दिया हुआ है, मेनली आपके पास दिया हुआ है S7, वो आपके पास दिया हुआ है 49, और सेकंड चीज दी हुई है S17, यानी कि 17 टर्म का सम है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब हमें नहीं पता एन टर्म्स कितनी है, हमें फर्स्ट एन टर्म्स का बोला हुआ है कि निकालो। कंफ्यूजिंग है, नहीं है। देखो अब S7 है, आपको फॉर्मूला पता है, जब आप करते हो तो आता है 7/2 फॉर्मूला, ये वाला फिल करो आप, 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आएगा 7 माइनस 1 इंटू डी आएगा तो आ जाएगा 6D। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको हिंट दे रही हूँ, आप सॉल्व कीजिए, इसको आएगा ये 49। सो यहाँ पे अगर आप 2 से, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, सो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 7 इंटू ए प्लस 6D, सॉरी 3D इज इक्वल टू 49, एंड ए प्लस 3D सब जगह डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और ए की वैल्यू हम यहाँ से, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ, 7 माइनस 3D, ए की वैल्यू आ गई। नाउ इन केस ऑफ S17 आपके पास आएगा 17/2 इंटू 2A प्लस 16D। ठीक है, 289 फॉर्मूला फिल करके देखो, इतना तो आप करोगे ना, जब इतना आपको करवाया जा रहा है तो आप इतना करोगे, रिस्पॉन्स तो चाहिए होता है। तो फिर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा अगेन, तो 17A प्लस 8D विच इज इक्वल टू 289, एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाय 17, एंड अगेन A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, ऑल्सो A इज इक्वल टू कितना है यहाँ से 17 माइनस 8D। अब देखो A की AP में सेम होते हैं, दोनों एपी में एक एपी है आपके पास, तो A तो सभी में सेम होगा। इनको अगर हम कंपेयर करें, या तो आप ऐसे कंपेयर कर लीजिए, दैट इज 7 माइनस 3D इज इक्वल टू 17 माइनस 8D फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर, अगर ए है सेम है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसमें, जब यहां तक पहुंचती है आपकी बात, ए प्लस 8D प्लस 17, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहां से फिल कर लीजिए, 7 माइनस 3D वही आ जाएगा, 7 माइनस 3D प्लस 8D इज इक्वल टू 17, यही आ जाएगा ना। 5D आपके पास कितना आएगा, 17 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 10, एंड D इज इक्वल टू 10 ओवर 2, दैट सॉरी 5, दैट इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू आ गई 2, A की वैल्यू, अब D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो इनमें से किसी में भी पुट करके, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। देखो डी और ए आपके पास आ गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ एन। अब एन नहीं दिया हुआ है हमें, तो हम फॉर्मूले में जस्ट पुट करेंगे इनको, जो आ रही है वो आ रही है। ठीक है, एन बाई टू नहीं है हमारे पास, एन नहीं पता हमें, 2a कितना आया आपके पास 1 प्लस एन माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, t लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, एन बाई टू 1 प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू डी ही आएगा, और d आपके पास 2 है। ठीक है, तो n प्लस एन माइनस 2 इंटू दिस 2 प्लस एन माइनस, यानी कि 2n-1, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2n into 2 आएगा, सॉरी 2 से 2 कट हो गया आपके पास बचा n ओवर 2 इंटू 2n, तो n से n, सॉरी 2 से 2 कट हो गया आपके पास n into n, दैट इज n स्क्वेयर, सो दिस इज द आंसर। अब
एन आपको फाइंड आउट नहीं किया हो, दिया हुआ है आपके पास, नहीं दिया है आपको, सॉल्व करने को बोला हुआ है, तो आप सिंपल ऐसे कीजिए, जहां जो वैल्यूज दी हुई है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको क्लियर, यहाँ पे आप नहीं कंफ्यूज हो कि आपको बस एन दिए नहीं हुए तो फाइंड आउट क्या करोगे, ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, सो दैट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन फॉर्म एन एपी वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। आपके पास एपी, देखो जनरल फॉर्म जो होती है कि वो आपको पता है, मैंने स्टडी में क्लियर करवाई थी, हम ऐसे लिखते हैं इनको, तो आपके पास ए एन दिया हुआ है, आपने ये वाली टर्म में निकालनी है, निकाल सकते हो। एक पार्ट बताती हूँ मैं वो करके, क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, दैट इज ए एन इज इक्वल टू 3 + 4 n। आपको देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ए वन ए टू और ए एन निकालना है, मतलब एक एपी बनानी है आपको, तो आपके पास दिया हुआ है ए वन निकाल लो, बस एन की जगह वन पुट कर लो, 3 + 4 * 1 दैट इज इक्वल टू सॉरी 7। ए टू निकालना है 3 + 4 * 2, बस अगर यहाँ पे ए टू निकालना है तो इनकी एन की जगह में 2 पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ भी एन की जगह 2 पुट होगा, क्लियर है। तो दिस इज 11। ए थ्री आप निकालो, 3 + 4 * 3 दैट इज इक्वल टू 15। अब ए हमने देखो एपी निकाल ली, अप्रोक्सीमेट हम तीन वैल्यूज निकाल ली, 7, 11 एंड 15 एंड सो ऑन। अब आपको सम भी निकालना है साथ में, ये भी ध्यान रखना है, आपको पूछा क्या हुआ है लास्ट में, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स यानी एन एस 15 आपको निकालना है। तो ए आपके पास आ गया 7, अब डी कैसे निकालेंगे, अब डी कैसे निकलता है हमारा, ए थ्री माइनस ए टू दूसरा निकलेगा, ए टू माइनस ए वन हम दोनों चेक कर लेंगे, ए थ्री माइनस 15 - 11 यहाँ पे 11 - 17, तो इन दोनों में से अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपका सारा है 4, तो यानी कि डी हमारा आ गया 4, ए डी आ गया, हमें निकालना है एस 15, यानी कि 15 टर्म्स का आपको सम भी निकालना है। तो फॉर्मूला है आपका 15/2, 2 a की वैल्यू है 7 प्लस n, आप n है 15 - 1 और साथ में d 4, तो ये जगह 15/2 14 + 56 विच इज इक्वल टू 15/2 × 70 दैट इज इक्वल टू 15 * 35 विच इज इक्वल टू 525। लो क्वेश्चन हो गया। आपको देखो ए वन, यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ए एन में से जो भी वैल्यू होती है आपकी ए एन, जैसे हमने यहाँ किया, आपको ए एन ए वन टू ए टू निकालना था तो हमने एन की जगह रिप्लेस की 2 से, तो बस यहाँ पे भी आपको बस यहाँ पे सिंपल आपके पास इक्वेशन दे दी गई है, उसमें आपने फुल किया, ए वन ए टू ए थ्री निकाल लिया, डी आपको पता है कि इनका कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ऐसे करते हैं आप, डी निकल गया, आपको दिया हुआ लास्ट में फाउंड आउट पूछा है कि एस 15 तक का निकालो आप सम, तो हमसे आप निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ आया होगा, जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिए, सेम वैसे ही होगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, टोटल माइनस प्लस का ख्याल रखिए और क्वेश्चन को लॉजिकली समझिए कि आखिर क्वेश्चन आपके पास पूछा क्या गया है। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बच गए हैं, ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।